इस खूबसूरत आसमान के नीचे मैं और फैजान भाई निकले रेत और बजरी खरीदने, क्योंकि घर का थोड़ा काम करवाना है। सामान की डीलिंग करते हुए एक कुत्ता फैजान भाई के पास आ गया और सीरियसली वो बहुत डरा रहा था फैजान भाई को, और फैजान भाई डर भी गए थे। फिर थोड़ा और ढूंढने के बाद हम एक और जगह पर गए जहाँ पे अलग किस्म की मुर्गियां बहुत ही प्यारी लग रही थी और परिंदे भी बहुत अच्छे थे। फिर हमें बकरे नजर आ गए, ईद करीब है तो हमने बकरों का सौदा किया, लेकिन वो सौदा नहीं बन सका। थोड़ा घूमने के बाद हमें बहुत अच्छी प्राइस पे हमारा सारा सामान मिल गया और उसे लेकर हम वापस घर के लिए रवाना हो गए। गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा पक गया था, इसलिए वापसी जाने का सुनकर खुश हो गया मेरा मन, और रास्ते से हम लोगों ने खरीद लिए थोड़े से लेमन। फैजान भाई अपनी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया को ले आए। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो चाचू? ठीक हो? तबीयत ठीक है? फिर गुड़िया को अल्लाह हाफिज करके हम लोग बकरियों को देखने लग गए, और इतने में आ गई हमारी बजरी और सारा सामान। खैर मैं सामान उतरवा रहा था, लेकिन इतना तो पता है कि जी से नहीं शुरू होता जापान।